क्योंकि उनका उद्देश्य है गलत है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि डॉक्टरों को साथ जो समस्या हुआ है उसका समाधान हो, इसलिए बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टरों ने अपना 5 डिमांड्स रखा है, इस डिमांड्स के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। कम से कम एक तो फुलफिल करिए, तब जाके ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन फुलफिल होगा, नहीं तो कैसे फुलफिल होगा। ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि बंगाल की जनता, बंगाल जूनियर डॉक्टर सारे मांग कर रहे थे इसका। ये जो जिन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की है, छेड़खानी की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सीबीआई ने एक्शन लिया, इसको हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसे ही इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, एक थाना प्रभारी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर है उनका रोल भी पूरी तरीके से खंगालना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि हमारे पास एक विशिष्ट सूत्र से खबर है कि कोई सीनियर ऑफिसर नियमित रूप से एसएचओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और ऐसे दे रहे थे कि मैडम हैज इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस डू सो। मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसरों की रोल की तहकीकात होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ गया है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से। अगर नोटिस दिया है तो बहुत अच्छा बात है, पुलिस ऑफिसरों की रोल संदिग्ध है, उनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, जनता भी ये पूछ रही है, एक इतना छोटा ऑफिसर, इतना बड़ा ऑफिसर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, पीछे कोई ना कोई है। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से पावर में आए थे, जो बात कह के पूरी उल्टा काम उन्होंने किया, अभी वो इस्तीफा देंगे क्या करेंगे वो तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन जनता इस बार आपको परमानेंट इस्तीफा दे देगी। बीजेपी कल धरना मंच से अपने आंदोलन की घोषणा करेगी।